हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनो डाई एंड ट्राइप्रोटिक एसिड। नहीं, मोनो डाई और ट्राइप्रोटिक एसिड का हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज के बारे में इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने से पहले किसका, मोनो डाई और ट्राइप्रोटिक एसिड का, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि मोनो का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब क्या होता है और ट्राई का मतलब क्या होता है। तो यहां पर अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो इन तीनों का मतलब जानना होगा। नहीं तो मोनो एसिड कहने का मतलब क्या, मोनो एसिड कहने का मतलब कि एक एच प्लस आयन प्रोड्यूस हो एक एसिडिक मॉलिक्यूल से, वैसे एसिड को बोलेंगे मोनो एसिड। फिर से सुनिए, 1H प्लस आयन प्रोड्यूस हो एक एसिड के मॉलिक्यूल्स से, नहीं वैसे एसिडिक मॉलिक्यूल्स को कहेंगे मोनो एसिड। क्लियर। उसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि डाइप्रोटिक एसिड किसको बोलेंगे, तो डाई को ऐसे डिफाइन करना है कि 2H प्लस आयन प्रोड्यूस हो 1 एसिड मॉलिक्यूल्स से, तो वैसे को बोलेंगे डाइप्रोटिक एसिड। नहीं, सिमिलर ट्राइप्रोटिक एसिड के केस में कि 3H प्लस आयन प्रोड्यूस हो एक एसिड के मॉलिक्यूल्स से, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड। तो जितना कुछ बोले वही सब कुछ यहां पे लिखा भी हुआ भी है। नहीं तो क्लियर समझिएगा। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि द टर्म जो है मोनो, इसका मोनो का क्या मतलब है। तो वही चीज बोले कि 1H प्लस आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 एसिडिक मॉलिक्यूल, एक H प्लस आयन प्रोड्यूस होना चाहिए किससे, 1 एसिडिक मॉलिक्यूल से, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, मोनो बोलेंगे। नहीं अब हम पता करते हैं कि मोनो में जो है वह कैसे हम क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे मोनो एसिड में। तो मोनो एसिड में डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए एक ऐसा एग्जांपल्स लेते हैं एसिड का जिससे कि 1H प्लस आयन प्रोड्यूस हो। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है HCl। HCl जो है वह एक क्या है, एसिड का मॉलिक्यूल है, इससे जो है वह एक H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है। कैसे, वो चीज रखिए, जब HCl को आप H2O के प्रेजेंस में क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे, तो क्या एक प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन करेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। HCl किस में ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस। तो हम क्या बोले थे कि एक H प्लस आयन प्रोड्यूस हो किससे, एक एसिड के मॉलिक्यूल से, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो एसिड। क्लियर। अब हम इससे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन का कांस्टेंट निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि क्या करना होता है, क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। तो यहां पर मान लो कि Ka जो है वह क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है किसका, मोनो एसिड का। तो मोनो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है, तो किसी भी रिएक्शन का कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस H+ का कंसंट्रेशन इनटू Cl- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HCl का कंसंट्रेशन, और यही जो है वह क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनो एसिड। तो मोनो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कोई फाइंड करने को बोले तो आप कर लीजिएगा। क्लियर। अब बात करते हैं ये जो टर्म है डाई, डाई एसिड क्या है। नहीं तो डाई एसिड जो है इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो डाई कहने का मतलब कि 2H प्लस आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 एसिड मॉलिक्यूल्स, एक एसिड के मॉलिक्यूल्स से कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस हो, 2, उसको क्या बोलेंगे, डाई एसिड। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल्स है H2SO4। H2SO4 जो है वह एक एसिड का क्या है, मॉलिक्यूल्स है, और इससे जो है वह 2H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है, जो कि आप यहां पे देख लीजिए 2H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है प्लस SO4 2 माइनस, नहीं ये सल्फेट है। तो H2SO4 को जब हम H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या ब्रेक करेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो हमें क्या लाना था,
2H+ आयन क्या करना था, प्रोड्यूस करना था एक एसिड के मॉलिक्यूल्स से, तो ये तो डाई एसिड का एग्जांपल है, क्लियर। अब हम इसका क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे। तो इसमें 2H दो बार H+ क्या होगा, फॉर्म होगा, नहीं तो दोनों बार H+ अलग अलग फॉर्म करेंगे और फिर उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे। तो H2SO4 एक्वस को हम क्या करेंगे, H2SO4 एक्वस को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये किसमें ब्रेक होगा, H+ एक्वस और HSO4- एक्वस में, ठीक है। तो यहां से जो है वह एक H+ आयन प्रोड्यूस हो गया, तो इसका क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे। मींस इसी प्रकार से Ka1 का डिसोसिएशन कांस्टेंट, नहीं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस H+ का कंसंट्रेशन HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2SO4 का कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा Ka1 मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ A1। उसी प्रकार से अब हम बात करेंगे कि इसमें एक H+ आयन प्रोड्यूस हो गया, अगला H+ आयन कैसे प्रोड्यूस होगा, तो ये जो HSO4- है इस एक्वस को क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रेक करेगा H+ और SO4- में, और H+ और SO4- में ब्रेक करेगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक और H+ आयन का फॉर्मेशन हो गया, प्रोड्यूस हो गया किससे, इसी H2SO4 के मॉलिक्यूल्स से, एसिड के मॉलिक्यूल्स से। तो यहां से एक और H+ आयन प्रोड्यूस हुआ, तो इसका Ka2 निकालना होगा, मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ A2। तो कैसे निकालिएगा, H+ का कंसंट्रेशन SO4 2- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HSO4- का कंसंट्रेशन, तो ये आप फाइंड कर सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट, नहीं डाई एसिड का, मोनो का भी बता दिए, डाई का ही बता दिए। अच्छा एक बात और कि यहां पे देखिए सेकंड वाले केसेस में यहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि इसको जब रिएक्शन कराओगे तो ये फॉर्म होगा, इसका जब एडिशन कर दोगे तो फिर ये वापस मिल जाएगा, मींस यहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मोनो एसिड के केस में कैसे निकालेंगे उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, डाई एसिड के केस में कैसे निकालेंगे वो आपको बता दिए। अब बात करते हैं ट्राई के केसेस में, आपको लिखने के लिए टाइम देंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले समझिए ट्राई एसिड के केस में, नहीं तो ट्राई का क्या मतलब है, ट्राई प्रोटिक कहने का मतलब क्या, कि 3H+ आयन प्रोड्यूस हो एक ही एसिड के मॉलिक्यूल्स से, वैसे एसिड को बोलेंगे ट्राई प्रोटिक एसिड। फिर से सुनिए, 3H+ आयन प्रोड्यूस हो एक ही एसिड के मॉलिक्यूल्स से, वैसे को क्या बोलेंगे, ट्राई प्रोटिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि ट्राइप्रोटिक एसिड का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, तो H3PO4, H3PO4 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्राइप्रोटिक एसिड, बिकॉज H3PO4 प्रोड्यूस 3H+ आयन, नहीं एंड H3PO4 इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल्स, एसिडिक मॉलिक्यूल्स तो है ही और ये 3H+ आयन प्रोड्यूस कर ही रहा है, तो ये तो बेस्ट एग्जांपल है किसका, ट्राइप्रोटिक एसिड का। अब देखिए 3H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो तीनों H+ आयन को प्रोड्यूस कराएंगे और तीनों का फिर क्या करेंगे, उसका तीनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख देंगे। तो सबसे पहले H3PO4 को जब हम H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है, H+ और H2PO4- नहीं ये सभी किसमें देता है, एक्वस में। तो यहां से जो है वह पहला H+ का फॉर्मेशन तो हो गया, मींस पहला H+ आयन प्रोड्यूस हो गया इस H3PO4 के मॉलिक्यूल्स से, इस H3PO4 के एसिड मॉलिक्यूल्स से, ठीक। तो इसका यहां से आप पहले का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि सेकेंड नंबर जो है H+ कहां से प्रोड्यूस होगा, तो इस H2PO4 को जब आप क्या करोगे, फिर से H2O के साथ रिएक्शन कराओगे H2O के प्रेजेंस में, तो ये ब्रेक होगा H+ एक्वस प्लस HPO4 2- माइनस एक्वस में, नहीं और यहां से जो है आपका फिर से एक H+ का क्या हो गया, क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, यहां से फिर से एक H+ प्रोड्यूस हो गया। तो इस रिएक्शन में दो प्रोड्यूस हो गया और एक और प्रोड्यूस करना है, ठीक है, H+ को। तो यहां से जो है HPO4 2- एक्वस, इसको जो है फिर से हम क्या करेंगे, H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये फिर से ब्रेक होगा H+ plus PO4 3- एक्वस,
नहीं, तो यहां से जो है वह थर्ड वाला एच प्लस भी क्या हो गया, क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो डेफिनेशन क्या कहता था ट्राइप्रोटिक एसिड का, कि 3H प्लस आयन प्रोड्यूस होना चाहिए एक ही एसिड के मॉलिक्यूल से। तो एक एसिड का मॉलिक्यूल था H3PO4 नहीं, और इसी से तीन हो गया H प्लस आयन प्रोड्यूस, 1, 2 यहां पे और 3 यहां पे। देखिए 3H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ एक ही एसिड के मॉलिक्यूल से, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि तीनों का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट आप निकालिए, इसका निकालना होगा सबसे फर्स्ट वाले का, तो कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो H+ का कंसंट्रेशन इनटू H2PO4- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H3PO4 का कंसंट्रेशन। अरे भाई इसको रिएक्टेंट कहते हैं ना, और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट इधर वाले को रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसमें क्या दुविधा है, कोई दुविधा है क्या, कोई दुविधा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड H+ जो प्रोड्यूस हुआ यहां से जो है Ka2, इसको Ka2 को कैसे करेंगे, तो सिमिलर इसी के जैसा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस H+ into HPO4 2- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2PO4-। क्लियर। अब बात करते हैं कि थर्ड वाले का भी इसी प्रकार से जस्ट क्या करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। कैसे, HPO42- है, जब इसको H2O के साथ रिएक्ट कराए तो ये फॉर्मेशन हुआ, तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H+ into PO4 3- हुआ और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वह हुआ HPO42-। तो यह हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ka3, मतलब कि तीनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट ट्राइप्रोटिक एसिड में। और हम बात करें पूरे बोर्ड पे, तो मोनो एसिड का, डाई एसिड का और ट्राइप्रोटिक एसिड तीनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबके बारे में अच्छा से हम क्या कर दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं। तो यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए, नहीं या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।